यहाँ तेल और आंखों से आंसू दोनों की तैयारी पूरी हो गई है। लेकिन जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये तेल, ये शुद्ध तेल उनके खाने का स्वाद और भी बढ़ा देता है। अगर वो इस तरीके का कहीं से भी मिले, लकड़ी घानी का कोल्ड प्रेस अगर वो ऑयल यूज करेंगे तो उनके खाने का जो स्वाद है और भी दुगना कर देगा। तो अब हम निकालेंगे सरसों का तेल, जो कि अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के घर घर में सरसों का तेल खाया जाता है। सिर्फ खाया ही नहीं, उसे हाथों में, पैरों में, बालों में भी लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम इसे धीरे 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 डालेंगे। ये कितना केजी का होगा? ये हमने 12 किलो लिया है सरसों। अच्छा, 12 किलो लिया है। 12 किलो लिया है सरसों। और इसमें कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा ऑयल? एक इसमें 25% एक आपको 3-3.5 लीटर के करीब आपको तेल मिलना चाहिए। अच्छा जी, 3 लीटर के करीब तो तेल मिलना ही चाहिए। और ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कितना समय लग जाता है वैसे? अभी से 1 घंटे लगने ही है। तो ये प्योर कच्ची घानी का जो है कोल्ड प्रेस ऑयल जो है सरसों मस्टर्ड ऑयल ये यहाँ पे बनेगा। आप जितने प्यार से मुझे हंसकर सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ देर में आप रोने वाले हैं, क्योंकि ये सरसों का जो गुणधर्म होता है तीखा होता है। हाँ। अब जब तेल निकलेगा तो सब के आंखों से पानी निकलने वाला है। अच्छा, क्योंकि इतना प्योर है ये। प्योर है। अच्छा जी, जब ऑयल प्रोसेस स्टार्ट होगा तो काफी, ये जो मशीन में देख रहा हूँ, मशीन में जो है, तो लकड़ी का क्या खासियत है इसमें? ये बबूल की लकड़ी है, इसमें टेम्परेचर, लकड़ी का होने से यही फायदा है। हाँ, इसमें टेम्परेचर का निर्माण होता नहीं है और तेल में जो आपको पोषक तत्व चाहिए वो एज इट इज इसमें बरकरार मिलता है। अच्छा, ये जो है आपका ये फैक्ट्री जो है कितने साल से आप ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे? हम 6 से 7 साल से हम ऑपरेट कर रहे हैं। 6 से 7 साल। हाँ, इस नासिक शहर में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमारा 2 आउटलेट है। अच्छा, एक हमारा आउटलेट अभी हमने हाल ही में मुंबई में किया है। अच्छा जी। जो कि थाने जिला कलवा में है और हमारा नया ही स्टार्टअप वहाँ हुआ है। और हम ऑनलाइन तो हम ऑल ओवर इंडिया हम कुरियर करते ही हैं। अच्छा, और हमने कस्टमर को विदेशों में भी तेल भेजा है। अच्छा जी। सिंगल कस्टमर को, मतलब जो देख रहे हैं व्यूअर्स, अगर किसी को भी चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। बिल्कुल, ऑर्डर दे सकते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, हम बाहर भी तेल भेजने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो वैसे मैं जान सकता हूँ जैसे कि ये जो कोल्ड प्रेस जो ऑयल होता है जो अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है ये हमारे सामने, ये सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, इसमें क्या खासियत, वैसे कुछ बात कही थी इस लकड़ी की विशेषता के बारे में पूछा था, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये लकड़ी है, लाट है, ये भी लकड़ी की है और अंदर का जो ये बर्तन बना हुआ है वो भी लकड़ी का है। तो मतलब जिसके ऊपर ये फ्रैक्शन हो रहा है, जिसके ऊपर घनचर हो रहा है, ये उसी के बेस पे एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। हाँ, हाँ, इसमें क्या होता है कि अब ये लकड़ी का है तो कहते हैं ना जब लोहा घिसे तब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन लकड़ी की खासियत ये है कि लकड़ी और लकड़ी आपस में अगर टकराएंगे भी तो किसी प्रकार का टेम्परेचर एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा, जो टेम्परेचर होगा वो बैलेंस रहेगा इसमें। अच्छा जी। और घर घर, अगर मैंने जैसे कहा था कि नॉर्थ के घर घर में सरसों का तेल खाया जाता है, क्योंकि सरसों का अपना एक एरोमा है, अपनी एक खासियत है। अगर इसकी हम हेल्थ बेनिफिट्स जानना चाहें तो बहुत है। कई लोग इसे मॉलिश के लिए यूज़ करते हैं, कई लोग अगर सर्दी हो जाती है तो नाक में भी डालते हैं। अच्छा। एक अलग खाने के लिए तो हम इसका उपयोग करते ही हैं, बहुत लोग बॉडी मसाज, मेडिसिन तरह भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बॉडी मसाज के लिए भी लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें ये पानी भी डाला जाता है? बिल्कुल, ये तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। अगर अगर सीड के बाद अगर कुछ ऐड होता है तो इसमें वाटर ऐड होता है, वो भी प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर हम यूज करते हैं इसमें, ताकि ज्यादा ड्राई ना हो इसलिए वाटर यूज कर रहे हैं, ताकि मॉइस्चर रहे और उसके हिसाब से ऑयल एक्सट्रैक्शन में ये बेनिफिट होगा। बिना पानी डाले मॉइस्चर होगा ही नहीं और ऑयल निकलेगा ही नहीं। अच्छा जी। अगर नॉर्थ की हम बात करें, अब तो सब जगह पे ये हो गया है, अपने अपने तरीके से लोग अपने
स्वाद के अनुसार खाते हैं। तो पीकल के लिए भी अगर सबसे अच्छा तेल माना जाता है तो अचार का, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है ऑयल की वो साल क्या दो साल भी एक जैसी ही रहती है। इसका एरोमा भी कभी बदलता नहीं, कुछ चेंजेस नहीं। और फिर घानी के तेल की बात रही तो वो तो सालों साल अगर रखा जाए तब भी खराब नहीं होता, उसमें कोई स्वाद सुगंध बदलता ही नहीं। जैसे कि देख सकते हैं ये ऑयल इसमें से निकल रहा है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ तेल और आंखों से आंसू दोनों की तैयारी पूरी हो गई है। यहाँ तेल निकल रहा है और यहाँ से आंखों से आंसू निकलेंगे। तो वैसे ये जो ऑयल है और जो मार्केट में जो पैक मिलता है हमें ब्रांड से लेके, इसमें क्या फर्क है? जो ये कोल्ड प्रेस हम जो कहते हैं लकड़ी घानी का ये जो तेल होता है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, सिर्फ ये तेल होता है। अदर कोई प्रोसेस नहीं होता, अदर कोई केमिकल ऐड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध तेल होता है इसमें। बाहर के जो तेल होते हैं उसको कई प्रकार के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और अदर केमिकल, कई प्रकार के, कहने से अच्छा बेहतर होगा कहना कि कई प्रकार के केमिकल ऐड होने के बाद उसे फिल्टर किया जाता है। तो उसमें जो तेल में जो मिलना चाहिए हमें वो तो सब वो फिल्ट्रेशन के साथ बाहर निकल जाता है। पहले लोग यही शुद्ध तेल खाते थे और कई सालों तक स्वस्थ और अच्छे अपना जीवन जीते थे। लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी थी एक्चुअली, जो खाने का और रहने का जो जीने का तरीका था वो शुद्ध था। अब तो सब मिलावट का हो चुका है, इसीलिए कई तरीके की बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। आप देख रहे होंगे अब आंखों से भी पानी निकलना शुरू हो चुका है। आपके आंखों में मैं मतलब पानी देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये इतना तीखा होता है कि इस प्रोसेस में इसी तरीके से गंगा और जमुना दोनों साथ में बहती है। एक तरफ तेल निकलता है और एक तरफ इंसान का आंखों से तेल निकलता है, निकलता है। पर एक है कि इस तेल में अगर आप वैसे शाकाहारी सब्जियां बनाएंगे, अगर वेज भी बनाएंगे तो भी उतना अच्छा और टेस्टी बनता है। लेकिन जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये तेल, ये शुद्ध तेल उनके खाने का स्वाद और भी बढ़ा देता है। अगर वो इस तरीके का कहीं से भी मिले लकड़ी घानी का कोल्ड प्रेस, अगर वो ऑयल यूज़ करेंगे तो उनके खाने का जो स्वाद है और भी दुगना कर देगा। फाइनली तेल अब रेडी हो चुका है, हम इस तेल को निकालेंगे। तेल यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इस तेल को इस तरीके से लॉक खोलेंगे और तेल अब बाहर है। अब ये रहा आपका शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल। अभी ये पैकेजिंग भी ये जाएगा आगे, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसे चलाएं तो जो बचा कुचा तेल है वो आ जाएगा। ये देखिए 12 किलो में अभी एक दो बार और चलेगा तो थोड़ा बहुत मतलब आधा लीटर या पौना लीटर तेल और निकलेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि सरसों का तेल इतना महंगा क्यों है, इसका कारण ही यही है कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में सरसों ही ऑलरेडी महंगा मिलता है क्योंकि यहाँ पे खेती कम इसकी होती है, ना के बराबर ही खेती होती है। दूसरे राज्यों से सरसों मंगाया जाता है और यहाँ पे बेचा जाता है और इसीलिए ये सरसों का तेल महंगा होता है। तो अभी ये पैकिंग हो रहा है, ये बिल्कुल अब हम पैक करेंगे। देखिए पीला एकदम गाढ़ा सरसों का तेल, मार्केट में जो मिलता है वो इससे पतला भी होता है। अच्छा जी, दिखने में मम्मी ये मतलब आधे लीटर का ये जो है ये हम पैक रेडी कर रहे हैं। हाफ लीटर का तो इसकी क्या प्राइसिंग है ये हाफ लीटर की? हाफ लीटर आपको मिलेगा 210 रुपए का। हम सरसों के तेल की हमारी एक लीटर की प्राइस है 400 रुपए लीटर। ये इसकी कैपिंग हो रही है अभी, मैनुअल कैपिंग है। इस तरीके से हम इसे ढककर बंद करते हैं, बस यूं हाथों से लेबल लगाया। स्टिकर लगा के ये हमारा ऑयल रेडी हो गया है। तो इसमें जो है एक काली सरसों होती है और एक पीली सरसों होती है, तो पीली सरसों का भी तेल आपके यहाँ पे मिल जाएगा? बिल्कुल, अब ये ज्यादातर हमारे यहाँ पर तो यही सरसों की डिमांड है,
और नॉर्थ की तरफ की हम बात करें तो वहाँ पर पीली सरसों के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। सब अगली बार अब हम कुछ ही दिनों में काली सरसों के साथ साथ पीली सरसों का भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हम करने वाले हैं। तो सरसों का जो तेल है वो आपको मिनिमम 100 ml से हमारे पास मिलेगा, 100 ml, 200 ml, फिर ये 1/2 liter, 1 liter, 2 liter, फिर आपका जितनी भी आपकी डिमांड होगी, जिस किसी को भी ऑर्डर देना है वो नीचे दिए गए नंबर पर ऑर्डर दे सकता है।